हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ब्रांड न्यू शाओमी थीम के वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शाओमी की थीम दिखाने वाला हूँ जिसका लॉक स्क्रीन है वो काफी गजब का है और काफी यूनिक है। इस तरह की थीम आपने शायद नहीं देखी होगी। अगर इस तरह की थीम आपने देखी है तो गाइस आप इस वीडियो को स्किप जरूर कर सकते हैं, और आपने नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको काफी यूनिक, काफी इंटरेक्टिव और काफी मस्त आपको थीम दिखाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को जो थीम है वो पसंद आने ही वाली है। तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर बात करें सबसे पहले इस थीम की लॉक स्क्रीन की, तो जो गाइस लॉक स्क्रीन है वो आप देख सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर ही दिया गया है। गाइस आपको कुछ स्वाइप डाउन नहीं करना है, स्वाइप अप नहीं करना है, सिंपल से मेन लॉक स्क्रीन पर ही आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। जो गाइस वन बाय वन सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीच में आपको यहाँ पर स्पेस देखने को मिल रही है, वहाँ से स्वाइप अप करते ही आपका जो डिवाइस है वो अनलॉक हो जाता है। स्लोली स्लोली मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह का आपका जो यहाँ पर जो सारे विजेट है वो अप एंड डाउन या साइड बाई साइड जा रहे हैं। गाइस यहाँ पर आप स्वाइप अप कर लीजिएगा तो आपका जो डिवाइस है वो अनलॉक हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है तो सिंपल से डबल टैप कीजिए, लॉक को अनलॉक कर लीजिए, तो आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाएगा, जो कि काफ़ी मस्त बात है। गाइस यहाँ पर आपको जो आपने रिसेंट नोट लिखी हुई है उसका कुछ यहाँ पर आपको सैंपल है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। आपको डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से मालूम चल जाएगा कि आपका जो नोट है वो क्या है। गाइस यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कुछ इस तरह का टॉगल बटन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से गाइस आप अपना जो डेटा है उसको अनेबल कर सकते हैं, अपनी जो टॉर्च है उसको अनेबल कर सकते हैं, उसके अलावा ब्लूटूथ को अनेबल और डिसेबल कर सकते हो। म्यूजिक प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से सिंपल से आपका जो म्यूजिक प्लेयर है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन म्यूजिक प्लेयर है वो भी अनेबल हो जाता है। गाइज यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं आपको फोर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से गाइज यहाँ पर जो आप डार्क मोड और लाइट मोड को अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि यह हो गया लाइट और यह हो गया डार्क मोड। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्लर इफेक्ट है उसको ब्लर और अनब्लर कर सकते हैं। ओवरऑल जो थीम की लॉक स्क्रीन है वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। यहाँ पर होम स्क्रीन की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको आइकन पैक है वो देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरह का आपको लुक प्रोवाइड कर देता है। मुझे थीम का जो फोन डायलर है वो भी पसंद आया, क्योंकि उसका जो फॉन्ट है वो काफ़ी यूनिक है। अगर बात करें यहाँ पर नोटिफिकेशन बार की, तो वो कुछ इस तरह का आपको लुक देता है, जिस तरह का आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डार्क मोड का लुक है वो प्रोवाइड कर देता है। गाइस यहाँ पर आपको होम स्क्रीन में एक विजेट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको लाइव यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो थीम है वो काफ़ी मस्त है, काफ़ी यूनिक है, और जो थीम की लिंक है वो आपको मिल जाती है डिस्क्रिप्शन में, तो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इस थीम को। तो जो थीम का नाम है वो आप देख सकते हैं, सेपी फायर करके जो थीम है वो आपको देखने को मिल जाती है। गाइस डिजाइनर का नाम कुछ अटपटा है तो मुझे मालूम नहीं है उसका डिजाइनर कौन है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।